फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DRX अभिलाषा MSBHUK चैनल पर आप सभी का स्वागत है। काले तिल तो सभी को अच्छे लगते होंगे चेहरे पे, लेकिन वो काले तिल जब एक या दो हों तो ही अच्छे लगते हैं। जब बहुत सारे काले तिल होने लगते हैं ना, तो हमारा चेहरा बहुत ही गंदा दिखने लगता है और बहुत सारे लोग इस परेशानी से परेशान हैं। तो कौन से ऐसे घरेलू उपचार हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इन काले तिल से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं? जी हाँ, अगर आप भी परेशान हैं काले तिल से, तो करिए ये सारे उपाय और आपका जो चेहरा होगा वो एकदम क्लीन हो जाएगा, एकदम साफ़ हो जाएगा। और उपाय भी ऐसे हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, घर पर ही कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है लहसुन, यानी कि गार्लिक। करना क्या है कि लहसुन को छीलना है, उसको अच्छी तरीके से पीस लेना है और उसको उन तिल वाले स्थान पे लगाना है जहाँ जहाँ पे आपके चेहरे पे तिल है, और उसको किसी तरीके से वहाँ पे चिपका लेना है, बांध लेना है, ताकि वो वहाँ से गिरे नहीं। और रात भर वैसे ही सो जाना है। सुबह उठना है, पट्टी खोलना है और फिर उसको साफ़ पानी से धुल लेना है। ऐसा आप लगातार करिए। इससे ये जो लहसुन के रस में जो भी केमिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, काले तिल को हटाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं और उनको तुरंत ही रिमूव करते हैं। नेक्स्ट रेमेडीज है सेब का सिरका, यानी एप्पल विनेगर। जी हाँ, जिस तरीके से हम लहसुन के रस को चेहरे पे लगाते, उसी तरीके से सेब के सिरकों को भी कॉटन की मदद से, यानी रुई की मदद से आप चेहरे पे लगाना है और 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। इसे नॉर्मल पानी से बाद में साफ़ कर लेना है, धुल लेना है, क्योंकि सेब के सिरके में भी मैलिक एसिड होता है, टार्टरिक नामक एसिड होता है, जो कि तिल और मस्सा को हटाने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। और अगर आप ये रेमेडीज़ रेगुलर यूज़ करते हो तो इससे आपके चेहरे का रौनक भी बढ़ेगा, साथ ही ये जो तिल वाली प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट रेमेडीज है 1 चम्मच अरंडी। अरंडी मीन्स कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल लेना है और 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और चेहरे को लगा के रात भर के लिए छोड़ देना है। फिर सुबह उठना है और साफ़ पानी से धुल लेना है। ये सारे जितने भी रेमेडीज़ हैं आप रात के टाइम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रात का टाइम ऐसा होता है कि जब 6 से 7 घंटा वो सारी चीज़ आपके तिल वाले स्थान पर लगातार चिपके रहेंगे, लगे रहेंगे, जिससे कि वो अपना काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो करना क्या है, 1 चम्मच अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल और 1 चम्मच बेकिंग सोडा को लेना है, मिक्स करना है, तिल वाली जगह पे लगाना है, रात भर छोड़ देना है और सुबह उठ के साफ पानी से धुल लेना है। ऐसा भी आप रेगुलर यूज़ करते तो भी आपको तिल की प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, मतलब ख़त्म होने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट रेमेडी से केला, यानी कि बनाना। बनाना तो हम सभी खाते होंगे, तो बनाना खाने के बाद जो उसका छिलका होता है उसको हम फेंक देते हैं। बस आपको वही छिलके का इस्तेमाल करना है जहाँ पे तिल है, वो छिलके का जो वाइट वाला पार्ट होगा, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, वाइट वाला पार्ट जो कि अंदर वाला पार्ट होता है, उसी छिलके के वाइट वाले पार्ट को आपको तिल के साथ अच्छे से चिपका लेना है। और उसके बाद फिर सुबह के टाइम आप उठना है, वो पार्ट हटाना है और उसके बाद अपने चेहरे को साफ पानी से धुल लेना है, क्योंकि इसके अंदर भी एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो कि हमारे तिल को ख़त्म करने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और इसका जो छिलका होता है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुड़ होते हैं, जो कि हमारे चेहरे को निखार लाने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो बनाना भी एक अच्छा रेमेडीज है, आप बनाने के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं तिल को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट रेमेडी से प्याज का रस। जी हाँ, जिस तरीके से हमने लहसुन के रस का इस्तेमाल किया है, उसी तरीके से हम प्याज के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्याज के रस में एमिनो एसिड सल्फाक्साइड होता है और सल्फेनिक एसिड होता है, जो कि तिल को हटाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और इसके इस्तेमाल से आप जो है तिल को बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। करना ऐसे ही है जैसे कि आपने लहसुन के रस को निकाला था, यानी लहसुन को पीस के उसके रस को अपने तिल वाली जगह पर लगाया था, उसी तरीके से आपको प्याज को पीस लेना है और उसके रस को उस तिल वाली जगह पर लगाना है, रात भर छोड़ देना है और सुबह साफ पानी से, नॉर्मल पानी से धुल लेना है। ये प्रक्रिया आप दिन में भी कर सकते हैं। अगर आप ये प्रक्रिया दिन में 2 से 3 बार करते हैं तो ये बहुत जल्दी, जितना ज़्यादा आप इसका यूज़ करेंगे उतना जल्दी आपका तिल ख़त्म होने का चांस है। नेक्स्ट रेमेडी
डिश है अनानास यानी कि पाइन एप्पल। करना क्या है कि पाइन एप्पल के टुकड़े कर लेने हैं छील के, और तिल वाली जगह पर कुछ मिनट तक अच्छी तरीके से स्क्रब की तरह रगड़ना है यानी कि साफ करना है, और 15 मिनट तक चेहरे पे इसको लगा रहने देना है। फिर उसके बाद पानी से धुल लेना है। ये प्रक्रिया आप एक दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। आपको कुछ ही दिनों में बहुत ही जल्दी फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, और ये भी तिल को ख़त्म करने के लिए काफ़ी बेस्ट रेमेडीज है। तो पाइन एप्पल, प्याज का रस, लहसुन का रस, बेकिंग सोडा एंड कैस्टर ऑयल, सेब का सिरका, ये सारे रेमेडीज हैं जो कि तिल को ख़त्म करने के लिए बहुत ही आसान और सुरक्षित उपाय हैं। इसके बावजूद अगर बार बार तिल हो जाता है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता हो कि कोई और प्रॉब्लम हो। तो अगर आपको शुरू की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ये सारे रेमेडीज़ को इस्तेमाल करिए, और इफ़ेक्ट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।